हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आओ सीखे मैथ में। आज हम आपको वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आईएएस एग्जाम में मैथ्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जब आईएएस का इंटरव्यू होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। मैथ में पजल टाइप के होती हैं वो क्वेश्चंस, मैथ की पजल्स जो आपसे वहाँ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम आपको इस कड़ी में बता रहे हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और लॉजिकल होते हैं जो क्वेश्चन आए इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो हमारे एक एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन था वो और कैसे उसको सॉल्व किया गया। IAS मैथ क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने जब इंटरव्यू में बच्चा बैठा था उससे पूछा कि भाई 1+1 को उन्होंने क्या कह दिया, 8 का 1+1 8 बताया उन्होंने। फिर कहा उन्होंने भाई 2+2 को उन्होंने कहा 32, 3+3 को उन्होंने कहा 72 का, ठीक है ना। उन्होंने कहा 1+1 8 के इक्वल है, 2+2 32 को इक्वल है, 3+3 72 को इक्वल है। तो आप ही बताइए कि 4+4, ठीक है ना, 4+4 कितना हो जाएगा, 1+1 8 के इक्वल है, 2+2 32 को इक्वल दे रखा है, 3+3 72 है। तो 4+4 की इन्होंने वैल्यू पूछी, 4+4 क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई 1+1 8 है, 2+2 32 है, 3+3 72 है, 4+4 की वैल्यू क्या होगी। ये एक तरीके से क्या है, मैथ की पजल है। मैथ पजल है तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये किसको इस तरह इसको क्या रिलेशन के अंदर आपस में बना हुआ है। तो आप देखें इसका रिलेशन हम कैसे बनाते हैं। देखो 1+1 कितना होता है, 2 हो जाता है, ठीक। और 2 का स्क्वायर करो कितना हो गया, 4 हो गया। 1+1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करो हमने 4, और 4 को क्या करें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 2+2 को ऐड करो 4 आएगा, 4 का फिर स्क्वायर कर दीजिए 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 हो जाएगी वैल्यू, ठीक करेक्ट हो गई। ऐसे ही 3+3 को ऐड करोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए आप कितना हो गया 36, उसका डबल कर दो कितना हो गया 72, ये थर्ड आ गया आपके पास। अब 4+4 बताना था उसको, 4+4 कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप 64 आ जाएगा, उसका डबल कर दो 128 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 128। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक 1+1 8 इक्वल है, 2+2 32 को इक्वल है, 3+3 72 को इक्वल है, तो 4+4 किस बात के इक्वल होगा, किस नंबर के इक्वल होगा। तो वो इक्वल होगा 128 के। तो इन्होंने जो लॉजिक लगाया वही लगाया कि 1+1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर दे रखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आ गया, 8 आ गया। ऐसी 2+2 4 हो गया, 4+16 16 2 32, 3+3 क्या हो गया आपका 6 6 का स्क्वायर 36 2 72, 4+4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 2 = 128। तो जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है उसमें मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो पजल टाइप के होते हैं, पजल्स होती है मैथ्स की और वो पूछ जाती है क्योंकि वो दिमागी कसरत होती है, दिमागी घोड़े में दौड़ाने पड़ते हैं। तो ये आप सीख सकते हैं कैसे, ऑन प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इनको सीख सकते हैं। आईएएस के एग्जाम में बैठना है तो पहले आपको मैथ की पजल्स भी आनी चाहिए, तो हम इस पर जरा ध्यान देंगे। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटू चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह आईएएस से रिलेटेड जो मैथ पजल्स हैं वो आपको देखने को सीखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जॉइन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट पजल ऑफ आईएएस इंटरव्यू। थैंक यू।